हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैप्टन साहब गेमिंग। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कैप्टन साहब गेमिंग में। आज दोस्तों मैं लाइव स्ट्रीम पे तो नहीं हूँ, पर आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जो स्पेल है, स्पेल का जो इनविजिबल स्पेल है, इनविजिबल स्पेल तो आप जानती हैं, ये वाली मैं अभी आपको इधर दिखाता हूँ, ये इनविजिबल स्पेल, इसके हमें क्या बेनिफिट हो सकते हैं। ये स्पेल की ड्यूरेशन होती है 4 सेकंड तक, तो इसका हम बेनिफिट लेकर कैसे हम 3 स्टार ले सकते हैं, उसकी आपको मैं एक एग्जांपल देने जा रहा हूँ इधर वार में। तो ये रहा गाइस, वार कल हुई थी हमारी इधर, तो ये कैप्टन साहब जो मेरा आईडी है, और इधर है विंडा कोई जिसके साथ हमारी वार हुई। तो इसको स्काउट करके पहले मैं आपको बताता हूँ, ये उसका है बेस 10 लेवल का जो टाउन हॉल है इसका। तो इसको हमने क्वीन, आर्चर क्वीन और स्पेल की वजह से किस तरह से जीता वो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। तो ये देखो आप 3 स्टार रिप्ले में। सबसे पहले गाइस हम यहाँ पर छोड़ेंगे आर्चर क्वीन और हीलिंग क्वींस। तो ये हमने यहाँ पर लीव की थी 5 हीलिंग एंड आर्चर। तो इस स्पेल की वजह से हमें बहुत बेनिफिट हुआ, जिससे हमें पूरा 100% इसको ख़त्म किया और 3 स्टार लिए। गाइस वीडियो अगर देख रहे हो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ये देखो इसके साथ आर्चर के साथ हमने छोड़ा वार्डन किस तरह से इसको, इसकी आर्चर की हेल्प करके गेम घुमा रहा। अभी 10% तो हो गया डैमेज, पीछे से छोड़ दिए हमने थोड़े से ड्रैगन और मिनी ड्रैगन। अब यहाँ पर मैंने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है, ये किया मैंने यूज़ इनविजिबल स्पेल का। यहाँ पर मेरे को इनविजिबल स्पेल का काफ़ी यूज़ का बेनिफिट मिला। यहाँ पर देखो इन्फर्नो टावर से मेरे को सुरक्षित होने के लिए, और यहाँ ये छोड़ दी एक और छोड़ दी मैंने इधर इनविजिबल स्पेल, जिसने सीधा अटैक किया टाउन हॉल पर और हमारी 1 स्टार की विक्ट्री हो गई। इधर यहाँ पर हम वैसे 2 स्टार विक्ट्री ले चुके हैं, और साइड पर हमने मिनी ड्रैगन छोड़ रखे हैं जो कि बाकी का कचरा ख़त्म कर रहे हैं। अब इसकी थोड़ी सी थोड़ी रह गई थी, और इसको फिर से हमने स्पेल का यूज़ किया, और साथ में हमारा बारबेरियन किंग इसकी हेल्प के लिए, क्योंकि वार्डन तो ख़त्म हो चुका है ना, और बारबेरियन किंग को इन्फर्नो टावर ने पकड़ लिया, उधर से क्वीन ने अटैक कर दिया इस एक्सपो पर और बारबेरियन भी तोड़ दिया। ये इनविजिबल स्पेल का बहुत बेनिफिट हो रहा हमें इस मैच में। काफ़ी सारे मैचों में मेरी जो स्ट्रेटजी है वो इनविजिबल स्पेल की है, मेरे को बहुत बेनिफिट होता है, कम से कम 60% तो हो ही जाता डैमेज उसका। तो ये देखो 96% डैमेज कर दिया और इनविजिबल स्पेल हमारे पास ख़त्म हो गई है, और ये पूरा 100% डैमेज होने जा रहा है गाइस। बस एक रह गया ये वाला। तो आपने देखा कि किस तरह से इनविजिबल स्पेल की मदद से और आर्चर क्वीन की मदद से हमने पूरा 100% डैमेज किया और विक्ट्री ली 3 स्टार। तो गाइस ये थी एक छोटी सी वीडियो आपको बताने के लिए कि इनविजिबल स्पेल की वजह से हम किस तरह से विक्ट्री ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़रूर लाइक करना। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय।